मेरा नाम किट्टू है और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा और सबसे लाडला भाई अतुल है। पहले तो हम हरियाणा में रहते थे, लेकिन वहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से हमें उस जगह को छोड़ना पड़ा और बाकी जितने भी पैसे बचे हुए थे उन पैसों को लेकर मेरे पापा मुझे पंजाब के पास ही एक छोटे से गांव में ले आए। वहाँ पर उन्हें एक बड़े से ज्वेलरी शॉप के बाहर चौकीदारी की नौकरी मिल गई थी। शुरुआती के 15-20 दिन तो बहुत अच्छे बीते थे। हमारा नया घर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा ही था और पापा की तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है, तो हम सभी को जो भी मिलता था और जैसे भी मिलता था हम उसी से अपना गुजारा कर लिया करते थे। हमारे हालात उस नए जगह पर आने पर भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुए। कभी कभी हमने ऐसी भी रातें देखी थी जहाँ हम सिर्फ रोटी और पानी पी कर ही हम सो जाया करते थे। पापा की मदद करने के लिए मम्मी भी अब लोगों के घर उनके बर्तन धोने चले जाया करती थी। मैं और अतुल तो छोटे हैं तो हम मम्मी की ज़्यादा मदद नहीं कर पाते और पापा की भी। और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो घटना यही करीब 2 महीने पहले ही हमारे साथ हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती के 15-20 दिन बहुत ही बेहतर होते थे, पर जैसे ही अमावस्या की रात आती थी घर में कुछ ऐसी हरकतें होने लगती थी जिससे हमारी मानो जैसे रूह ही कांप जाती थी। मुझे आज भी वो पहली घटना बहुत अच्छी तरह से याद है। उस रात मैंने और अंशुल ने अपने स्कूल का होमवर्क बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लिया था और माँ ने भी कुछ खिचड़ी सा बनाया था। उस रात पापा को भी जल्दी ही जाना था, उनकी ड्यूटी आज थोड़ी जल्दी लग रही थी। हम सब ने फिर साथ में ही मिलकर खाना खाया और फिर पापा फटाक से अपनी ड्यूटी पर चले गए। और हमारे घर में ये रूल है कि हम सब करीब 10 या 10:30 बजे तक ही सो जाया करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें सिर्फ 2 रूम थे और एक बड़ा सा हॉल था जिसको हमने आधा किचन बनाया था और आधा लिविंग रूम बनाया था। एक रूम में मम्मी और पापा रहते थे और एक रूम में मैं और अतुल रहते थे। वो पहली रात मैं और अतुल अपने ही कमरे में सो रहे थे कि तभी करीब आधी रात के बीच मुझे बहुत जोर की आवाज़ आई, जैसे कि मानो किसी की चीख हो। मुझे आज भी वो चीख बहुत अच्छे से याद है, वो किसी औरत की चीख थी। उस आवाज़ से उस रात मेरी नींद खुल गई और मैं बहुत ज़ोर से हाँफने लगी। फिर मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम होगा और फिर मैं वापस से सोने लगी कि तभी फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि रूम के अंदर कोई आया है। और मैंने वापस से अपनी आँख खोल कर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने रूम से बाहर भागते हुए किसी साए को देखा है और मैं बहुत ज़ोर से चीखी। मेरे चीखने से अतुल जाग गया था और वो भी मुझसे पूछने लगा कि ऐसा क्या हो गया है। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरे चीखने की वजह से मम्मी भी जाग गई थी, इस वजह से वो भी हमारे रूम में आ गई थी। और जब मैंने उन्हें ये सारी बातें बताई तो उन्होंने मेरी बातों का यकीन नहीं किया, उल्टा मुझे डांटा और मुझे वापस सोने जाने को कहा। पर मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी, इस वजह से मेरी मम्मी भी परेशान हो गई और फिर उस रात वो हमारे साथ ही सोई। पर उस रात की घटना सिर्फ इसी घटना के बाद ही नहीं रुकी। जब माँ हमारे साथ उस रात को सो रही थी तो उस वक्त करीब सुबह के 4 बज रहे थे। उस समय रूम में बहुत तेज़ अंधेरा था और मेरी नींद खुल चुकी थी और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, पर मुझे अकेले जाने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने अतुल को उठाया, उसे भी बाथरूम जाना था तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में जाएंगे और मैं पानी पीऊँगी और वो बाथरूम जाएगा, फिर दोनों साथ ही वापस बेड में आ जाएंगे। ऐसा सोचकर हम दोनों ही रूम से बाहर चले गए। किचन में जाकर मैंने फटाक से सारा पानी पी लिया और अतुल भी तब तक हल्का होकर आ गया था। घर में पूरा अंधेरा होने की वजह से हम दोनों ही काफ़ी डर रहे थे। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही हम रूम में आने लगे। जैसे ही हम दोनों रूम में घुसने ही वाले थे कि तभी हमने कुछ ऐसा देखा जो अभी भी हमारे जहन से नहीं जाता। हमने देखा कि बेड में हमारी माँ सो रही है और बेड के जस्ट पीछे ही एक काला सा घिनौना सा साया है किसी चीज़ का, जो हमारे रूम में आते ही बहुत तेज़ी से खिड़की से बाहर चला गया। कि देखकर मेरी और अतुल की मानो जैसे नींद ही उड़ गई हो
और हम दोनों की वापस से चीख निकल गई और हम दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ऐसा होने से मम्मी की भी नींद खुल गई और वह वापस हमारे पास आई। इस बार वो हम दोनों की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अगले ही दिन सुबह हम तीनों ने ये सारी बातें पापा को बताई और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस वजह से उन्होंने अपने मालिक से बात कर अपनी नाइट शिफ्ट को दिन में करा लिया था और वो रात में हमारे साथ ही रुकने लगे। पर फिर अगले 15-20 दिन तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे पापा को यकीन हो गया कि हम उन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे और उन्होंने वापस से अपनी नाइट शिफ्ट चालू कर ली। थोड़े दिन सुकून से बीत जाने के बाद वापस से अमावस्या की रात आने वाली थी और हमें पता नहीं था कि हमारे घर में जो भी हरकतें हो रही हैं वो सिर्फ इसी रात को होती थी और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस अमावस्या की रात जो हरकतें होने वाली हैं वो हमारे होश ही उड़ा देंगी। इतने दिन सुकून से रहने के बाद मैं, अतुल और माँ, हम तीनों ही बहुत खुश थे। उस रात हम तीनों ने अच्छा खाना खाया था और वापस सोने जा रहे थे। हमेशा की तरह हम 10-10:30 बजे तक ही सोने चले गए थे और हमें सोते हुए अभी करीब कुछ 2-2.5 घंटे ही हुए थे कि तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद खुलने के बाद जब मैंने देखा तो अतुल मेरे बाजू ही सो रहा था, लेकिन माँ बेड पर नहीं थी। मैं उन्हें पूरी तरफ देखने लगी पर वो मुझे दिख ही नहीं रही थी कि तभी मैंने देखा कि वो हॉल में घूम रही हैं और मैं उन्हें आवाज़ देने लगी और वापस सोने के लिए बुलाने लगी। अंधेरे में मैंने देखा कि वो इसी कमरे की तरफ आ रही थी। उस रात हमारे रूम में उतना अंधेरा नहीं था। पास ही के सड़क पर नई स्ट्रीट लाइट लगी थी जिसकी लाइट थोड़ी बहुत हमारे रूम में भी आने लगी थी। थोड़ी देर चलने के बाद जैसे ही माँ हमारे कमरे में आई और थोड़ी रोशनी में आई, उनका चेहरा देखने के बाद मेरी चीख निकल गई और मानो जैसे मैं कांपने लग गई थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी और उनका शरीर नीला पड़ने लगा था। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़ोर से चीखी। मेरे चीखते ही उनकी आंखें नॉर्मल हो गई पर माँ नीचे गिर गई और अतुल भी उठ गया था। थोड़ी देर के बाद मैं और अतुल माँ को उठाने लगे और जैसे ही उनकी आंखें खुली वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। अगले दिन सुबह हमने इस बारे में पापा को बताया और उन्होंने थोड़ी पूछताछ की। पूछताछ करने पर हमें जो पता चला, हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हमें पता चला कि बहुत साल पहले एक औरत ने अमीर घराने में चोरी कर ली थी, जिस वजह से उस घर के मालिक ने शक के तौर पर घर में काम करने वाले सभी नौकरों को काम से निकलवा दिया था जो कि इसी गांव के थे। जब उन्हें पता चला कि चोरी इस औरत ने की है तो उन्होंने उस औरत को बहुत मारा पीटा और ऐसा करने पर उस औरत की मौत हो गई। उन्हें पुलिस का झंझट नहीं चाहिए था तो उन गांव वालों ने उस औरत को इस ज़मीन पर गड़ा दिया जिस ज़मीन पर आज हमारा घर है। और जिस रात उन्होंने ये सब किया था वो अमावस्या की रात थी। हमें अब सारी बातें समझ में आ गई थी और फिर अगले ही दिन हमने उस घर को छोड़ दिया।